देशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मांसनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम् वंदे जगन्मातरम् श्री महालक्ष्मी माते की जय। पुनः इस अथश्री चैनल के माध्यम से एवं इस पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में मैं पंडित सत्येश शास्त्री पुनः इस दीप पर्व के उपलक्ष्य में आप सबके आगे आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम अग्रिम शुभकामनाएँ सभी को, सकल विश्व को, सारे भारतवासियों को, सारे सनातन धर्मावलंबियों को इस दीप पर्व की अग्रिम शुभकामनाएँ। इस पंच पर्वा दीप पर्व धनत्रयोदशी रूप चौदस दीपावली पर्व गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज, चूंकि इस बार पंचांग मतभेद से कहीं जगह 5 दिन का पर्व मनाया जा रहा है और कहीं स्थानों पे पंचांगों के गणित के अनुसार 4 दिन भी इस पर्व को मनाया जा रहा है। धनतेरस में भगवान विष्णु के अवतार अंशावतार जो कि समुद्र मंथन के समय निकले और धन्वंतरी के अवतरण लेने के कारण ही इसे इस पर्व को मनाया जा रहा है। क्योंकि धन्वंतरी नाम से ही परिवर्तित होते हुए धन्वंतरी त्रयोदशी होते होते वह धन त्रयोदशी हो गई और अतः महालक्ष्मी एवं कुबेर का पूजन भी आज के दिन किया जा सकता है। और यह आयुर्वेद के प्रणेता जो अमृत कलश औषधियों का लेकर के चले, वह अमृत कलश सारे विश्व के लिए दिया और उस अमृत कलश के द्वारा सभी को आरोग्य मिले, सभी आरोग्यवान रहें, यह धन त्रयोदशी का तो मुख्य हुआ। एवं धन त्रयोदशी से धनतेरस के दिन शिवरात्रि व्रत एवं प्रदोष व्रत दोनों का भी इधर संयोग बैठ रहा है, तो यह महादेव जी का शिव जी के पूजन का भी बड़ा महत्व का दिन है आज का, बहुत ही शक्तिशाली महादेव जी की आराधना। चूँकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी का वास शिव में होता है, बिलपत्र इत्यादि चढ़ाया जाता है, बिलपत्र में भी बिल वृक्ष में भी लक्ष्मी का वास माना जाता है, अतः महादेव जी की आराधना करना भी लक्ष्मी कारक होगा। क्योंकि आप जिनके पूजन कर रहे हैं, आप कुबेर का पूजन करने वाले हैं या करेंगे, वो कुबेर तो महादेव जी का दास है, भक्त है, वो महादेव जी की आराधना में दिन भर लीन रहता है। और शिव जी के जो प्रमुख गण हैं, जिस शिव परिवार में जिस महादेव जी का आराधन होता है, उस गणों में कुबेर का भी स्थान है, अतः महादेव जी का पूजन भी यह लक्ष्मीकारक होगा। और चतुर्दशी तिथि सायंकाल में लगने के कारण इस त्रयोदशी में यमराज के लिए, यम के लिए दीपदान होगा, जो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाएगा। आटे का दीपक बना करके, हल्दी इत्यादि मिला करके, 4 मुखी दीपक बना करके सरसों के तेल का दीपक लगाएं घर के बाहर, घर के अंदर नहीं लगाना है, यम का दीपक घर के बाहर लगाएं या चौराहा हो, चौराहे पर इस दीपक को लगावें।
एवं पूजन करके प्रार्थना करें हमारे परिवार की सुख समृद्धि की कल्याण की कामना करें कि हमें रोग शोक दुर्घटना अकाल मृत्यु इत्यादि उपद्रवों से बचावें रक्षा करें। एवं अगले दिन पर्व आता है चतुर्दशी, जो कि शनिवार के दिन चतुर्दशी का योग है और चतुर्दशी का योग दोपहर के 2:30 के लगभग है, उसके बाद अमावस्या तिथि लगेगी। इस चतुर्दशी तिथि में पितृकार्य भी होगा और इस पितृकार्य में सर्वप्रथम इतने बड़े पर्व में हमारे पितरों को अभी अभिवादन करना है, पितृ तर्पण करना है, यम तर्पण करना है। आज के दिन यम तर्पण का भी विधान होता है और पितरों के लिए भी तर्पण करें, पूर्वजों का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, उन्हें भी इस पर्व में शामिल कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा करने लग जाएं, क्योंकि इन वार्षिक पर्वों पर, बड़े महापर्वों पर पूर्वजों को भी इसमें शामिल करना सुख समृद्धिदायक होगा, सारे विघ्नों को मिटाने वाला होगा, उनका आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद दिलाने वाला होगा। तब ऐसा दिन का कार्य, तदुपरांत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जो महालक्ष्मी का पूजन का क्रम रहेगा, सायंकाल में प्रदोष काल में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त दीपावली का, महालक्ष्मी का पूजन का बतलाया गया है और जैसी विधि परिवार की कुल रीति के अनुसार महालक्ष्मी का पूजन करें, दीपमालाओं का पूजन करें, रात्रि में भगवती महालक्ष्मी के निमित्त जागरण करें, अखंड दीप जलावें, तेल का या घी का जो भी हमसे बन पड़े यथाशक्ति, एवं गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, क्योंकि गोपाल सहस्रनाम का पाठ तंत्रोक्त है और सम्मोहन तंत्र में शिव पार्वती जी के संवाद से निकला है और यह भी साक्षात लक्ष्मी कारक है। महालक्ष्मी के स्तोत्रों का पाठ करें, कनक धारा, श्री सूक्तम या जो भी मंत्र हमारे गुरु से प्राप्त होवे उस मंत्र के द्वारा इस रात्रि में आराधना करें। श्री यंत्र अपने घर में हो तो उस श्री यंत्र को विशेष रूप से केसर का त्रिकोण बना करके एक पात्र में, सुंदर पात्र में केसर से सुंदर त्रिकोण बना करके उसके मध्य में उस श्री यंत्र को विराजमान करें एवं उसमें कुमकुम एवं केसर से पूजन करें, रात्रि भर उनके सामने यथाशक्ति मंत्र जाप करें, पाठ करें, स्तोत्र करें एवं दीपक जलावें। दीपक के द्वारा जो काजल प्राप्त होगा वह भी पुराने लोगों के द्वारा जो अभी तक बतलाया जाता है वह भी सब प्रकार से नज़र इत्यादि से बचाने वाला है और बुरी नज़र से एवं अन्य बाधाओं से बचाने वाला है, रक्षा करने वाला होगा। तो ऐसा यह दीप पर्व हर प्रकार से सुख समृद्धिदायक है, यह पंच पर्व जीवन में हर प्रकार से खुशहाली लाने वाला है और कई संयोग जुड़े हैं इसके साथ, मैं एक संयोग नहीं बता सकता हूँ। भगवती महालक्ष्मी का आविर्भाव समुद्र मंथन के द्वारा, तो उस लक्ष्मी हैं तो सब कुछ इस संसार में है, क्योंकि धन के बिना किसी की भी गति नहीं है, तो धन की देवी, धन के देवता कुबेर इत्यादि का पूजन करना ही श्रेयस्कर है। ये संसार बिना धन के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि धन धान्य ही इस धरती को चलाने वाला है, मनुष्य को चलाने वाला है और इस प्रकार से यह दीप पर्व का पूजन का विधान है। यथाशक्ति भगवती महालक्ष्मी की आराधना करें, सकल विश्व के कल्याण की कामना करें और तो और सभी का भगवती महालक्ष्मी कल्याण करें, धन धान्य से परिपूर्ण रखें। जय श्री कृष्ण, जय महालक्ष्मी।